अरविंद केजरीवाल के दौरे पर विरोधी पार्टियां भी सरगर्म हो गई हैं। एक तरफ जहां अकाली बीजेपी ने केजरीवाल पर तीखे सियासी वार किए, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। सियासत की बिसात पर पार्टी को मजबूत करने के मकसद से केजरीवाल पंजाब पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्हें पहुंचते ही विरोध का सामना करना पड़ा। उधर केजरीवाल के पंजाब पहुंचने की भनक लगते ही विरोधी दल भी हमलावर हो गए। महिलाओं के शोषण के आरोप का हवाला देकर सीएम प्रकाश सिंह बादल और प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने केजरीवाल को खूब खरी खरी सुनाई। पंजाब बहुत तरह की स्टेट है, इतने इस तरह का मेरे ख्याल हिस्ट्री जी कभी नहीं हुआ। ये बहुत शर्मनाक है और पॉलिटिकल बंदे गलती करते लेकिन बदनाम सारे हो। केजरीवाल साहब नू चूड़ियां पेश करके एक उहदी आत्मा नू हलूणा दिता, भावें उहदी आत्मा तां डेड हो चुकी आ, क्योंकि जे माड़ी मोटी भी आत्मा जागदी हुंदी तां उहदी प्रधानगी हेठ उहदी छत छाया हेठ इस तरह उहदियां वर्करां दा कोई अपमान ना करदा उहदा लीडर। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए उनकी हकीकत जनता जान चुकी है। और खास करके महिलावां दा जिस तरह उहदे च उन्होंने शोषण होया उसनों लैके, और एक जिहड़ा उन्होंने बहुत कहा कि असीं भ्रिष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े उल्टे सीधे वादे किए सी और लोगों नूं लुभाव ने जिहड़े सबज बाग दिखाए सी उन्होंने सारियां चों बुरी तरह फेल होया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कदम आगे बढ़कर केजरीवाल को पंजाब की किसी भी सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। विरोधी सियासी दल जुबानी हमले कर चुके हैं, अब पलटवार की बारी केजरीवाल की है। दिल्ली से पंकज कपाही, भटिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया।